बेटा है 5 ईयर्स ओल्ड। 3 महीने पहले हम लोग स्टेम सेल थेरेपी किया था। स्टेम सेल थेरेपी के बाद इम्प्रूवमेंट आया है, जैसे आई कॉन्टैक्ट अभी बढ़ गया, 75% बढ़ गया उसको। कमांड फॉलो करते हैं अभी, जैसे पहले फर्स्ट एक ही कमांड फॉलो करते थे, अभी आज के टाइम 2 कमांड फॉलो करते हैं। उसके बाद सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ा है। सिटिंग टॉलरेंस जैसे 10 मिनट्स बैठता था पहले, टीचर बोलते हैं अभी 1 आवर भी बैठ जाते हैं अगर उसको एक्टिविटी में एंगेज करके रखे तो। अटेंशन भी अभी बढ़ गया। एंड पजल्स, अभी पजल्स भी अच्छी तरह से सॉल्व कर लेता है, जैसे पहले वो नहीं कर पाता था। साउंड टॉलरेंस पहले नहीं कर पाता था, जैसे मिक्सर हो या वॉशिंग मशीन हो, अभी पहले चिढ़ जाता था, अभी वहीं पे रहता है, लेकिन अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, कान बंद करके रह जाते हैं थोड़ी देर में, फिर ओके हो जाता है। पहले जब भी उसको कुछ नहीं मिला तो बहुत जोर से गुस्सा हो जाता था, हेड बैंग कर देता है, कंटिन्यूस करता था जब तक मतलब उसको बहुत जोर शॉट नहीं। अभी एक बार भी नहीं करता है, मतलब जाता है करने के लिए, रुक भी जाता है। तो उसको पता है अभी करो तो मुझे लगेगा, इसलिए थोड़ा मतलब नहीं रहता है। पहले इमिटेट सिर्फ सिंपल करता था, हैंड्स अप या क्लैप, अभी अकॉर्डिंग टू हिज टीचर 20 इमिटेशन वो कर लेता है विदाउट एनी डिमांड। पहले कुछ दे के करना पड़ता था, अभी ऐसे बोलो तो कर लेता था। पहले बिना कारण हंसता था, अभी बहुत कम हो गया। वो भी करता है जब भी रूटीन में चेंज आता है, तो अदरवाइज अगर उसका रूटीन ठीक ठाक तो नहीं करता है। हाँ, पहले जब भी चेंज होता था तभी वो टॉयलेट नहीं कर पाता था, या किसी के घर में जाता था वो, यहाँ रहना तो मुश्किल हो जाता था। अभी एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप, अननोन ग्रुप में जाए तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, पहले जब ग्रुप देखता था, बच्चे ग्रुप एक तो अवॉइड करके वहाँ से चले आता था, अदरवाइज उसके सामने बच्चे आ जाते तो वो पुश कर लेता था। अभी वो चाहते हैं खुद ही जाके बच्चों का ग्रुप में खेलने के लिए, बड़े बड़े बच्चों के पीछे भागता है, उनके पीछे खेलता है, उनके पीछे पीछे जाके चीज़ें मुँह में डालना। अभी 75% कम हो गया। पहले कुछ भी देती थी, कुछ भी देखता है तो भी ला के मुँह में डाल देता था, अभी नहीं, 75% अभी नहीं डाला। हाँ, टॉयलेट ट्रेनिंग पहले इधर उधर कर लेता था, वही अपना पैड में करता था, लेकिन घर में घूम घूम के करता था। अभी वही करते हैं लेकिन टॉयलेट में दरवाज़ा बंद करके करते हैं। इवन इवनिंग भी अभी अगर रात को सोने का टाइम आता है तो भी उठ के जाके बाथरूम में करता है। स्पीच पहले एक ही वर्ड का बोलता था, अभी अपने आप 2 वर्ड बोलते हैं, अगर थोड़ा प्रॉम्प्ट करो तो 3 वर्ड का बोल देता है, कोई भी वर्ड इमिटेट करके बोल देता था। पहले लिमिट था, इतना ही वर्ड बोलता था, अभी कुछ भी बोलो बोलता है। कपड़े अपने आप पहन लेते हैं, थोड़ा हेल्प चाहिए उसको बटनिंग जिपिंग में, अदरवाइज अपने आप पहन लेता है। खाना अभी अपने आप खाता है, मतलब टेबल चेयर में उसको सेट करके दे दूँ, अपने आप रोटी निकाल के सब्जी में डाल के अपने आप खा लेता है। पहले वैकेशन में उसको घर में रखना बहुत मुश्किल होता था, अभी नाउ ही इज एंजॉइंग, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग विद हिम, ही इज हैप्पी, नाउ ही इज हैप्पी चाइल्ड, एंजॉय करते। पहले अभी कोई भी अननोन लोग को देख के अपने आप स्माइल, वो स्माइल पास करते थे, ये अपने स्माइल पास करता है। अभी नए कपड़े एंजॉय करता था, पहले नहीं उसको समझ में ही आ रहा था न्यू या ओल्ड है, अभी न्यू पहनता है, अपने आप जाके मिरर में देखता है। अभी मॉल में अगर फिटिंग रूम में भी ट्रायल रूम में जाके न्यू कपड़े रख के फिर अपना पुराना कपड़ा पहन के आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो काफ़ी बढ़ता है। जो जैसे अभी स्कूल में जाते हैं, ये भी थेरेपी में वो लोग 6 मंथ का टारगेट बनाए थे, वो 3 मंथ्स में उसको अचीव करके दिखा दिए।
इवन जो लेवल वन के वो बोले थे लेवल टू का एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो, और काफ़ी तो ये चेंज हो गया और ये काम डाउन हो रहा है, तो अल्टीमेटली मैं भी काम डाउन हो रही हूँ, मतलब एवरीथिंग नॉर्मल, इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल। एंड इससे बीच में सब कुछ बंद कर दिया था, होम्योपैथी बंद कर दिया था, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। एडवाइस तो मैं एडवाइस देने से पहले सक्षम को देख के, वहाँ स्कूल का दो तीन बच्चे यहाँ आके स्टेम सेल ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब वो लोग उसमें चेंजेस देख के